नमस्कार दोस्तों, तो Realme 11 सीरीज के बाद अब बहुत ही जल्द Realme 12 सीरीज लॉन्च होने वाला है। वैसे हर बार की तरह सबसे पहले लॉन्च होगा प्रो और जो प्रो प्लस। अभी जो प्रो और जो प्रो प्लस वो ऑलरेडी 31 सीरीज में आ चुका है, तो इसलिए मेरे ख्याल से अगले 2-3 महीने के अंदर लॉन्च हो जाएगा। जो Realme 12 प्रो प्लस स्मार्टफोन उसके अंदर हमें क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगा, मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया, आई बटन में देख सकते। लेकिन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये जो Realme 12 प्रो प्लस नाम का जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, इसका पूरा स्पेसिफिकेशन, प्राइस, और जिस प्राइस पॉइंट में आएगा तो का प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट ऑलराउंड डिवाइस होगा कि नहीं, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। अगर आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सबसे कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन तो ऑलरेडी लीक हो चुका है कि इसका जो पीछे का डिजाइन इस बार जो ओप्पो फाइंड X6 वाला जो स्मार्टफोन एग्जैक्टली उसके जैसा ही होगा। फोन के पीछे आपको मिलेगा लास्ट बार के जैसा आइदर लेदर या फिर प्लास्टिक का बैक कवर। इसका थिकनेस होगा 8.2 मिलीमीटर और वेट होगा 183 ग्राम। और लास्ट बार के जैसे इसमें भी आपको अलग अलग कलर ऑप्शन भी मिलेगा। डिस्प्ले के मामले में आपको इसे मिलेगा 6.78 इंच 1.5K 120 हर्ट्ज 10 बिट डुअल कार्ड सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसके साथ 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग रेट, 1800 निट्स का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। और डिस्प्ले का जो सर्टिफिकेशन उसमें आपको मिलेगा HDR10+ का सर्टिफिकेशन। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसका जो डिस्प्ले ये एक्चुअली होगा LTPO वाला डिस्प्ले, मतलब LTPO जनरेशन 2 या फिर जनरेशन 3 भी हो सकता है। और इसका जो प्रोटेक्शन वो आपको मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 5 की तरफ से प्रोटेक्शन। तो मतलब ये चीज कह सकते हैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका जो डिस्प्ले नो डाउट बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है। प्रोसेसर में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 3 प्रोसेसर जो कि ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुका है। कैमरे के मामले में आपको इससे मिलेगा 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा जो कि सोनी IMX890 वाला सेंसर, उसके साथ 64 मेगापिक्सल टेलीफोटो सेंसर जो कि एक ओमनीविजन की तरफ से आने वाला सेंसर है, और साथ में 2 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर। और फ्रंट में आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी, और इसके रियर कैमरे के साथ आपको मिलेगा OIS EIS दोनों का ऑप्शन। ये जो फोन वैसे तो आपको बहुत सारे रैम और स्टोरेज ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग होगा 128GB से। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 3.1, और उसके साथ कोई भी डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट नहीं। बैटरी में आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, उसके साथ 100 वाट का चार्जर और कनेक्टिविटी USB Type-C। तो इसके बारे में से कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स, कोई भी 3.5mm जैक नहीं, डुअल स्पीकर, और जिसके साथ हमें मिलेगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और अगर हम इसके सॉफ्टवेयर अपडेट साइकिल के बारे में बात करें, इसमें आपको मिलेगा 2 साल का मेजर OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट। तो अब जो सबसे मेन चीज, कब लॉन्च होने वाला है, किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला है, तो देखिए अगर हम इसके लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो मैंने सुना है कि ये जो स्मार्टफोन जनवरी के आखिर भी या फिर फरवरी तक ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर और जनवरी महीने के बीच में इंडिया पे लॉन्च होने वाला है Redmi Note 13 सीरीज, और ऑब्वियसली उसके साथ कॉम्पीट करने के लिए जो प्रो और जो प्रो प्लस लॉन्च होने वाला है। और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें, लास्ट ईयर का जो प्रो प्लस वो इंडिया पे लॉन्च हुआ था 27,000 के आसपास, तो कहा जा रहा है कि इस बार का जो प्रो प्लस वो इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा एग्जैक्टली 30,000 रुपए पे। तो अभी हर वीडियो से देखेंगे कि ये जो स्मार्टफोन प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट डिवाइस होगा या फिर इससे बेटर दूसरा कोई स्मार्टफोन अवेलेबल है। तो देखिए मैंने आपको ये चीज कहा था, बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा पोको F6, और वो जो स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च होगा वही 27,000 से 30,000 रुपए के आसपास, मतलब वही 30,000 रुपए के आसपास। तो अगर हम उस फोन के साथ कंपेयर करेंगे, पहली बात तो डिस्प्ले, इस मामले में नो डाउट रियलमी बेटर, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा डुअल कर्व डिस्प्ले, लेकिन पोको पे आपको मिलेगा टोटली फ्लैट डिस्प्ले। प्रोसेसर की अगर बात करें, पोको F6 होगा एग्जैक्टली लास्ट बार के जैसा, जैसे लास्ट बार का जो पोको F5 उसका मेन टारगेट क्या था, सबसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस, तो इस बार भी एग्जैक्टली सेम। प्रोसेसर के मामले में पोको F6 होगा बेटर, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा Dimensity 8300 अल्ट्रा प्रोसेसर। कैमरे की अगर बात करें, इस मामले में Realme होगा बहुत ही ज्यादा बेटर, क्योंकि पोको का जो कैमरा सेटअप वो एग्जैक्टली होगा लास्ट एडिशन के जैसा, लेकिन Realme का इस बार का जो कैमरा सेटअप वो एग्जैक्टली फ्लैगशिप जैसा लग रहा है। रैम और वेरिएंट की क्वालिटी के मामले में इधर भी होगा पोको बेटर। बैटरी और चार्जर के कॉम्बिनेशन के मामले में Realme होगा बेटर, क्योंकि Realme पे आपको मिलेगा 100 वाट का चार्जर, लेकिन पोको पे आपको मिलेगा प्रोबेबली 90 वाट का चार्जर। उसके बाद स्पीकर के मामले में दोनों सेम, OS अपडेट के मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम। तो मतलब देखिए वीडियो का अगर मैं ये चीज कहना चाहूंगा,
अगर आपका मेन टारगेट है अगले 2-3 महीने के अंदर कोई ऐसा स्मार्टफोन लेना जिसका प्राइस होगा एग्जैक्टली 30,000 रुपए पे, और अगर आपका मेन प्रायोरिटी सबसे मैक्सिमम गेमिंग परफॉर्मेंस, तो आप लोग के लिए पोको F6 होगा बेटर। लेकिन अगर आपका मेन प्रायोरिटी कोई ऐसा स्मार्टफोन जो कि ऑलराउंडर होगा लेकिन जिसका मेन टारगेट होगा कैमरा, तो आप लोग के लिए रियलमी 12 प्रो प्लस सबसे बढ़िया चॉइस हो सकता है। तो अभी आप मुझे कम से जरूर बताना कि इस प्राइस पॉइंट में तो क्या आप इसे लेना चाहेंगे या फिर दूसरा कोई डिवाइस आप चूज करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो क्वेश्चन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।